आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल की भिड़ंत में अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। दोनों टीमें टक्कर के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के मैदान पर उतरेंगी। आपको बता दें, टीम इंडिया 20 साल बाद विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने वाली है। ऐसे में रोहित एंड कंपनी किसी भी मोर्चे पर फाइनल में चूकना नहीं चाहेगी। इसके लिए अगर उन्हें प्लेइंग 11 में बदलाव भी करने पड़े तो रोहित शर्मा ऐसा करने से हिचकेंगे नहीं। लेकिन टीम इंडिया ने पिछले 6 मैचों से प्लेइंग 11 में बदलाव नहीं किया है। फाइनल के लिए वो रविचंद्रन अश्विन को ट्रंप कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पता तो ये भी चला है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्पिन गेंदबाजी के लिए मददगार रहने वाली है। ऐसे में रोहित और राहुल द्रविड़ चाहेंगे कि वो एक अतिरिक्त स्पिनर के साथ मैदान पर उतरे। टीम में रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव लगातार खेल रहे हैं, लेकिन अश्विन के प्लेइंग 11 में आ जाने से और मजबूती बढ़ जाएगी। वैसे तो टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही है, लगातार 10 मैच जीत कर लगी स्टेज में वो पहले स्थान पर रही। ऐसे में रोहित शर्मा के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन पिच और हालात को देखते हुए वो मोहम्मद शिराज की जगह अश्विन को मौका दे सकते हैं। शिराज के लिए ये टूर्नामेंट कुछ खास नहीं रहा, जबकि तेज गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह धमाकेदार खेल का प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अगर बात धोनी की कप्तानी के समय की जाए तो साल 2011 विश्व कप के फाइनल में भी कुछ ऐसा ही बदलाव देखने को मिला था। फाइनल मैच में धोनी ने चोटिल आशीष नेहरा की जगह एस श्रीसंत को मौका दिया था। फाइनल से पहले श्रीसंत को भी टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका दिया गया था। ऐसे में रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ भी कुछ ऐसा ही प्लान कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में मैदान पर उतर सकते हैं। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल जनहित टाइम्स के साथ।